चंडीगढ़ में वेंडर्स की समस्या ज्यों की त्यों है। वेंडर्स के लिए शहर भर में अलॉट की गई 48 जगहों में से 95% जगहें टेड हैं, जहां पर कोई काम ही नहीं है, ग्राहक ही नहीं पहुंचता। वेंडर्स की इन्हीं समस्याओं को लेकर टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया। कमेटी की 1.5 साल के बाद बैठक संपन्न हुई, लेकिन इसमें भी पुरानी समस्याओं को हल निकालने के बजाय निगम द्वारा नई जगहें चिन्हित की गई हैं और इन पर वेंडर्स को बिठाने की तैयारी की जा रही है। वहीं वेंडर्स के प्रतिनिधि चंचल माही, रविंदर, मुकेश गिरी और पवन कुमार पम्मी ने इस पर विरोध जताया है। टाउन वेंडिंग कमेटी की सदस्य चंचल माही ने कहा कि वेंडर्स को जो साइट्स पहले दी गई थी उन्हीं पर काम नहीं है, इसीलिए अब निगम उन समस्याओं को सुलझाने के बजाय नई साइट्स लेकर आया है और उन पर नए वेंडर्स को बिठाना चाहता है। पिछली साइट से निगम ने कोई सीख नहीं ली है, जिसका उन्होंने विरोध जताया है। जिसके जहाँ पे भी सर्वे हुए हैं वेंडर के, उनको वहीं पे ही बिठाया जाए। कोई नई साइट्स के बारे में बात है? नई साइट में उन्होंने 12 साइडें हमें मतलब कहा है कि 12 साइडें नहीं बन रही हैं, तो हम लोगों ने उनसे टाइम मांगा है कि हमें टाइम दिया जाए 1 हफ्ते का, और हम लोग विजिट कर रहे हैं। तो जो ये इन्होंने पहले गलतियाँ की हैं वेंडरों के लिए, अब दोबारा से गलती ना करें। हम यही चाहते हैं जहाँ जिसके सर्वे हुए हैं उनको साइड वहीं पे ही बना के दी जाए। ऑफिसर्स ने माना कि पहले गलती हुई? हाँ, उन्होंने माना कि हाँ हमारे से गलती हुई है, तो इसीलिए उन्होंने नई साइडें बना रहे हैं और हमें विजिट करने के लिए बोला है कि आप लोग ही विजिट करो, जिस साइड को हम लोग पास करेंगे वही पास होगी। इसी के साथ टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य रविंदर ने भी इस पर आपत्ति जताई। निगम द्वारा वेंडर्स के प्रतिनिधियों को 1 सप्ताह का समय मांगा गया और अब यह प्रतिनिधि उन साइट्स को जाकर देख रहे हैं कि वहाँ पर बिठाए जाने वाले वेंडर्स का काम होगा या नहीं होगा। साथ ही इन सदस्यों का यह भी कहना है कि पहले उन सेक्टर्स में उन्हीं वेंडर्स को बिठाया जाए जो कि यहाँ पर पहले काम करते थे। साल बाद हमारी मीटिंग हुई, TVC की मीटिंग हुई है। इसमें अफसर साहब में सबसे बड़ी यह है कि बड़े अफसरों ने खुद माना है कि जो वेंडर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अति गंभीर है, और गलत ढंग से जो सर्वे हुआ था, गलत ढंग से जो इन लोगों को साइटें दी गई थी, वो सारी डेड है। वो इन्होंने खुद माना है और ये इस बात पे विराजी हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य पवन कुमार पम्मी ने कहा कि निगम द्वारा वेंडर्स को शहर के विभिन्न सेक्टर्स में भेजा गया जो कि गलत था, जबकि उन्होंने बैठक में यही कहा है कि जो वेंडर्स जिस प्रकार जिस सेक्टर में काम कर रहे थे उन्हें उसी जगह उसी सेक्टर में बिठाया जाए। मिश्र मैडम ने कहा कि जो रेगुलर फीस भर रहे हैं उनमें 300 कुछ बंदे उनके लिए नई साइट्स बनाई गई है, 12 साइट्स। उनमें कुछ बंदों को लेके आ रहे हैं मैडम जिनकी रेगुलर फीस जा रही है, तो हम चाहते हैं भी ऐसा ना हो, क्योंकि 2019 से पहले जो रेगुलर फीसें जा रही थी लोगों की, कोरोना के बाद जिनकी फीसें रुक गई, जिनका काम रुक गया, जो 1 पैसा भी कमा के नहीं बेचारे लेके जा रहे हैं, तो उनको भी साथ रखा जाए। अगर साइट्स निकालनी है तो वही पुरानी साइट्स दिया जाए और उन सभी वेंडरों को साथ में लिया जाए।